आप सबका स्वागत है। देखिए, मैंने काफ़ी मेहनत की है। मैं अपने आप को एक फैसिलिटेटर मानता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि कुछ न कुछ आपको हमारी वजह से सहूलत हो जाए। हमने बहुत सारी किताबों से बहुत ही इम्पोर्टेंट वाइन जो आम तौर पे बिहार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बीपीएससी में बिहार से रिलेटेड और बिहार के डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आम तौर पे आने वाले इन प्रश्नों को हमने विभिन्न पुस्तकों से कलेक्ट किया है। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, हम चाहते हैं अपने बारे में बताएं। मैं हूं डॉक्टर अफरोज इकबाल और हम प्रोफेसर हैं। पिछले 15 साल का पढ़ाने का अनुभव है हमारा और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कराते हैं इस चैनल पे। आप लोग कंप्लीट कोर्स है हमारे हर चीज़ के, ग्रुप सी के, आर्मी, पुलिस, आईएएस, पीसीएस और वो फ्री ऑफ कॉस्ट। एक्चुअली मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं प्रोफेसर से ज़्यादा फैसिलिटेटर हूँ। मैं आपको कितना ज़्यादा आसानी पैदा कर सकता हूँ आपके लिए, आपके ज़िंदगी में कुछ सहूलत हो जाए हमसे, तो ये है मेरा मकसद। तो एक और चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके लिए 30 से 40 दिन का कोर्स है। इस कोर्स को आप कंप्लीट कीजिए और अपने आप में ये सफिशियंट है। ये उन व्यक्तियों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए है जो फुल टाइमर है। कम से कम 24 घंटे में 12 घंटा अगर आप देते हैं तो मैं आपको बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच से तैयारी करा रहा हूँ। और तैयारी, ये जो वीडियो आपको मिली है, ये वीडियो अपने आप में पूरा कोर्स है। इसमें हम बिहार स्पेशल देखेंगे, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो आमतौर पर पूछे जाते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में जीके बेसिक कोर जो कि 105 वीडियो का सेट है, उसको हमने 10 वीडियो में कर दिया है कंप्लीट। उस 10 वीडियो को आप कीजिएगा डेली, एक एक वीडियो कीजिएगा, 10 दिन में आपका वो वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। एक एक वीडियो डेढ़ घंटे की है, करीब डेढ़ घंटे की है। उसको अगर आप करेंगे, 5 घंटा उस एक वीडियो पे लिखने में लगाएंगे और 3 घंटा याद करेंगे, और 12 घंटे का मैं आपको डेली का टारगेट देता हूँ। 24 घंटे में 12 घंटा तो आपको देना ही पड़ेगा। तो अगर आप 5 घंटे में एक वीडियो करते हैं तो 10 दिन में आप कर जाएंगे, बाकी बचा आपके पास 7 घंटा। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन 10 वीडियो के अलावा जो जीके बेसिक कोर्स है, जीके बेसिक कोर्स अपने आप में बहुत बेहतरीन कोर्स है, काफ़ी साइंटिफिक है, बहुत बच्चे उससे फ़ायदा उठाए हैं, काफ़ी बेहतरीन है, उसको करना है, बेसिक है वो जीके का। उसके बाद 30 सेट बिहार से रिलेटेड है, 30 सेट MCQ। जीके बेसिक कोर्स में आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, 30 सेट MCQ को आप कम से कम 10 से 15 बार प्रैक्टिस कर जाइए। उस 30 सेट में सिस्टमेटिक अप्रोच में सारे जीके के क्वेश्चन हैं, और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सारे हैं। उसमें आगे एक टेस्ट सीरीज भी है, उसको भी आपको करना है। उसके बाद बहुत सारी सीरीज है, हिस्ट्री की है, पॉलिटी की है, ज्योग्राफी की है, सब है, साइंस की है, कंप्यूटर की है। अगर आप इतना कर लेते हैं 30 से 35 दिन में तो आप जो है बिल्कुल कामयाब होंगे। इसमें वो सारी चीज़ें सिस्टमेटिक अप्रोच से है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप 30 दिन साइंटिफिक तरीके से लगाइए। लोग 3-3 साल लगाए हुए हैं, 4-4 साल लगाए हुए हैं, बस फर्क ये है कि वो उस इमोशन के साथ, उस अप्रोच के साथ इस्तेमाल, हम खुद साइंटिफिक अप्रोच के साथ नेट क्वालिफाई किया है अपीयरिंग में। कम से कम पढ़ के आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अचीव करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बड़ी मोटी किताबें पढ़ के बहुत सारे लोग कामयाब नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग कुछ किताबों को सेलेक्टिव पढ़ के कामयाब होते हैं। ये भी कहावत है कि 10 किताब को एक एक बार पढ़ने से बेहतर है एक किताब को 10 बार पढ़िए। तो आपके पास 40 वीडियो है, 30 वीडियो MCQ की है इसी वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में, और 10 वीडियो जीके बेसिक कोर्स के, इसको आप ज़रूर कंप्लीट कीजिए और देखिए आपका बिहार के किसी भी कंपटीशन में आपको दिक्कत नहीं होगी।
तो यहाँ हम लोग देखेंगे बिहार एक नज़र में, जैसे सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को हमने लिया है जो खूब पूछे जाते हैं और पूछने की संभावनाएं हैं, इसमें करेंट भी है बहुत सारे। तो चलिए, बिहार की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1912 को। बिहार दिवस आपको मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार की राजधानी पटना, बिहार की राजधानी पटना की स्थापना 1541 में हुई, और जाहिर सी बात है पटना का संस्थापक है शेरशाह सूरी, सूर वंश का। 1540 से 1545 के बीच इनका शासनकाल है, तो बिहार की राजधानी पटना की स्थापना 1541 में इन्होंने ही किया। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, बहुत ही कॉमन है। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन हरियक वंश का है। अब हमने MCQ में बताया हरियक वंश के कौन कौन राजा, कौन कौन से राजा किस क्रम में क्वेश्चन आता है, हरियक वंश का पहला राजा कौन है, ये आप इस पे के कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि क्वेश्चन आता है इस तरह का। बंगाल से बिहार को अलग किया गया 1 अप्रैल 1912, और बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया 1 अप्रैल 1936। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझिए। 1912 बंगाल बिहार अलग हुआ, और बिहार से उड़ीसा अलग हुआ 1936 में। बिहार से झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000। अब इसमें प्रश्न जो है 15 नवंबर अक्सर उसमें कंफ्यूजन होता है, तो 15 नवंबर 2000 को